फ्रेंड्स, हम लोग अभी जा रहे हैं एक धार्मिक स्थल में। एक प्राचीन मंदिर है। मेरे साथ मनोज महतो जी और राजेश जी हमारे साथ आज हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं और देखते हैं उस मनोरम दृश्य को। नमस्कार आदाब, मैं हूं श्याम सिंह चौहान, आप देख रहे हैं ट्रेवल मस्ती। दोस्तों, इस वक्त हम खड़े हैं झारखंड के गुमला जिला का, ये पाकरटोली गाँव है और एक आगे देव गाँव होता है। इस तरफ से आपको दिखाना चाहूँगा, देवगांव जगह का नाम है और वहाँ पे हम चलेंगे एक प्राचीन शिव मंदिर देखने के लिए। फ्रेंड्स, हम लोग पहुँच गए हैं झारखंड का गुमला जिला का ये मोरेंग गांव है और यहाँ से हम लोग चलेंगे उस मंदिर तक। 111 शिवलिंग है और वो मंदिर को हम आपको दिखाएंगे, काफ़ी प्राचीन है। तो चलिए हम जाते हैं। ये झारखंड के गुमला ज़िला का ये पालकोट प्रखंड में पड़ता है। हालांकि हम अभी जो आए हैं वो शॉर्टकट में आए, खेतों के रास्ते से आए थे। देख सकते हैं, ये दोबारा मैं उस मंदिर में का प्रांगण में हूँ और यहाँ का वीडियो मैं पहले भी आपको दिखाया हूँ, लेकिन वो वीडियो शायद सही ढंग से नहीं बन पाया था। तो मैं यहाँ पर, मुझे पता था यहाँ पर ये देवगांव जो है, और इस गुफा का नज़ारा मैं आपको पहले भी दिखाया हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं इस देवगांव की गुफाएं, ये जो आप दिखाई दे रहा है, अंदर चलते हैं और देखते हैं। हालांकि इस गुफा में पूजा पाठ हो ही रहा है और इस गुफा के अंदर देखिए बहुत कुछ प्राचीन पत्थर से बना हुआ, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए और अंदर चलते हैं इस गुफा में। और ये प्राचीन शिवलिंग आप दिखाई दे रहा है आपको, आप देख सकते हैं बिल्कुल गुफा के अंदर है और यहाँ पे प्रतिदिन लोग पूजा पाठ करते ही हैं। और ये जो पत्थर आपको दिखाई दे रहा है, ये प्राचीन पत्थर है। इसकी बनावटी कलाकृति देखिए, ये 16वीं या 17वीं शताब्दी का लगता है। और ये शिवलिंग जो है वो स्वतः निकले हुए हैं और मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ बहुत सारे शिवलिंग हैं लेकिन मुख्य जो शिवलिंग है यही सामने आपको दिखाई दे रहा है। और उस तरफ भी देखिए बहुत कुछ यहाँ पे रखा हुआ है। 100 और अंदर जाते हैं और देखते हैं यहाँ पे और क्या है। इस तरह का जो बनावट आप देख रहे हैं, यहाँ पर अंधेरा है, बिजली तो जल रही है पर लाइट उतनी तेज़ नहीं है, और फिर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। और यहाँ के इतिहास के विषय में हम अभी एक बाबा हैं जो यहीं रहते हैं, अब इनकी पूजा पाठ करते हैं, देख रेख करते हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। और यहाँ का जो इतिहास है वो हम उनसे जानेंगे। आप देख सकते हैं बहुत लंबा चौड़ा ये जगह है और पहाड़ और गुफा के अंदर है ये जो शिवलिंग का है। तो आप देख सकते हैं हर तरफ इतने बड़ा गुफा है और सभी तरफ मंदिर है और विभिन्न प्रकार की मूर्तियां यहाँ पे स्थापित है। शिवलिंग तो स्वतः निकले हुए हैं और आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे भी ये पुराना जो है मूर्ति आपको दिखाई दे रहा है, ये प्राचीन मूर्ति है इस गुफा के अंदर। और चलिए और आगे चलते हैं और उनसे, उस बाबा से हम यहाँ के विषय में कुछ जानकारी इकट्ठा करेंगे। बने रहे हमारे वीडियो में। तो फ्रेंड्स, यहाँ का जो देख रेख करते हैं बाबा जी, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे यहाँ के विषय में। तो बाबा जी, आपका शुभ नाम क्या हुआ? डमरू बाबा। इनका नाम डमरू बाबा है और इनका आप ही यहाँ का देख रेख करते हैं? अच्छा, ये जो पुराना मंदिर है देवगांव, तो इसके विषय में हमारे दर्शकों को कुछ आप बताएं, क्या गुफा है और क्या मान्यता है, और ये सारा कुछ जो है आपको जितनी जानकारी है यहाँ के विषय में तो ये हमें बताएं और हमारे दर्शकों को भी बताएं। यहाँ जो लोग आते हैं हर एक चीज़ जो मन्नत मांगते हैं
उनका भी सब काम सफल होता है, बाबा लोग पूर्ण करते हैं। कोई ऐसे पागल मरीज लोग भी आ जाते हैं, उनका भी काम यहाँ शुभ हो जाते हैं, सबका काम को बाबा जो हो सके सफल बना के भेजते हैं। सब कोई दुखी से आते हैं, सुखी से जाते हैं, कोई बाल बच्चा कोई जो है सके मांग करते हैं उसके लिए भी जप करते हैं यहाँ, उनका भी जो है पूर्ण करते हैं बाबा लोग। तो यहाँ जो है कि हर एक चीज़ मान के चलिए, कोई रोग दुख पीड़ा ऐसे में आते हैं, हर लोग आते हैं और हर लोग जो है कि यहाँ पूछते हैं बाबा को, तो बाबा लोग जो है कि हम बता देते हैं ऐसे पूजना है, किसको इस आधार से पूजना है, आप ऐसा रास्ता में आए हैं, आप जो है सके आपको दर्द है बथा है सब लोग होता है और करते भी हैं और उसी से सब लोग का कल्याण है। और यहाँ तो देखिए प्राचीन काल का ही है, यहाँ बाहर में बजरंगबली है देख रहे हैं जी, हाँ देखे थे बाहर बजरंगबली हैं। तो यहाँ बाहर में बजरंगबली है, तो ये कितना प्राचीन है बाबा? यहाँ प्राचीन बहुत प्राचीन काल है, प्राचीन काल से है, इसको कोई बता नहीं पाएंगे। कुछ दूर आपको लाइट लेके जाना पड़ेगा, हाँ आधा घंटा चाहे मान के चले, सुखते बैठते जाएंगे तो थोड़ा सा सुखता तो जाएंगे ना, तो 10-15 मिनट लगेगा, उसके बाद में जो है कि आपको उधर से बहुत दरवाजा मिलेगा, अंदर में मनिए जल रहा है। अच्छा, और बहुत तालाब है, बहुत जो साक्षात भगवान वहाँ घूम रहे हैं। अच्छा, तो बाबा का छोटा सा आंगन है। अच्छा अच्छा, ठीक है बाबा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद ट्रेवल मस्ती की ओर से। ये जो गुफा है और हम अंदर घुसे हुए हैं और गर्मी काफ़ी लग रही है जैसे कि आप देख रहे हैं, अब हम बाहर जाएंगे और बाहर का कुछ दृश्य आपको मैं दिखाता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, हम इस गुफा से बाहर जाते हैं और अंदर काफ़ी गर्मी है और हम यहाँ का दिखाते, बहुत ही मनोरम दृश्य है यहाँ का। ये झारखंड का गुमला जिला का पालकोट प्रखंड में मौजूद है, आप देख सकते हैं यहाँ निर्माण कार्य भी चल रहा है, समिति के द्वारा या फिर गवर्नमेंट के द्वारा होगा। आपको मैं चारों तरफ घुमा के दिखाता हूँ देवगांव की गुफाएं, ये देख सकते हैं आप। और पंडित जी जैसा भी बताए कि यहाँ अंदर एक गुफा है, वहाँ घुसना मतलब कि मना है। अब सच्चाई क्या है ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन पंडित जी जैसा बता रहे थे उस आधार से वहाँ घुसना मना है और हम भी वहाँ नहीं घुसेंगे क्योंकि अंदर बिल्कुल शंकरा है और भी कुछ जीव जंतु वहाँ पे होगा। और आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। मैं ट्रेवल मस्ती में आपको पिकनिक स्पॉट जलधारा और फ्रीडम फाइटर का जीवनी और इस तरह का जो गुफाएँ हैं, ओल्ड पुराना जो मंदिर होता है, वो सारा कुछ मैं आपको ट्रेवल मस्ती के माध्यम से दिखाता हूँ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि जब भी मैं वीडियो फ्लैश करूं, पब्लिश करूं, तो सबसे पहले पहुंचे आप तक। तो चलिए जाते हैं, हर हर महादेव।